आज हम सीखेंगे एएसटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो एएसटी होती है वो बीपीओ में कैलकुलेट की जाती है। जैसे एक एक जो एम्प्लॉय 100 कॉल लेके गया, 100 कॉल लेने में उसको कितना टाइम लगा एवरेज, यानी एक कॉल पे उसको पर कितना टाइम लग रहा है, तो वो एएसटी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एएसटी और जगह भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना एवरेज टाइम जाता है, या फिर एक कोई भी हिसाब करने में कितना टाइम जाता है, यानी कि पूरा दिन आप जो काम करते हैं वो पूरे दिन में उसको कितना टाइम हमारा एवरेज जाता है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप किसी भी काम के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। एम्प्लॉयज के नेम यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल के लिख रखा है ABCD, साथ में मैंने लिख रखा है उन्होंने कितनी पूरे दिन के अंदर कॉल ली है, 95 कॉल जो है ए वाले एम्प्लॉय ने ली है। अब आप देख सकते हैं उसका टॉक टाइम, यानी कि उसने पूरे दिन में कितनी बात करी कस्टमर से, 5 घंटे 21 मिनट 40 सेकंड उसने जो बात करी है। और होल्ड क्या होता है, जब भी हो सकता है उसने जो है कॉल को होल्ड पे लगाया हो, कुछ हो सकता है उसको कंसर्न आया हो, टेक्निकल इश्यू आया हो, या फिर कोई भी XYZ होल्ड लगाया उसने, तो वो यहाँ पर मेंशन है। ACW होता है जब कॉल खत्म हो जाती है उसके बाद जो एजेंट यानी एम्प्लॉय जो है टाइम लेता है जो कॉल को खत्म करने के लिए, यानी कि उसको टैग करने के लिए, या फिर कोई भी कॉल के बाद जो काम रहता है उसका वो उसको करता है। तो अभी हम सीखेंगे एएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके थ्रू। एएसटी जो कैलकुलेट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है टॉक टाइम प्लस होल्ड टाइम प्लस ACW डिवाइडेड बाय कॉल, तो ये होता है एएसटी का फॉर्मूला। आइए इसे फॉर्मूले से ही हम जो है एएसटी कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे, सम के फॉर्मूले से आप जो है तीनों चीजें यहाँ पर सम कर देंगे, टॉक टाइम, होल्ड और ACW। तो आप देख सकते हैं तीनों चीजें मैंने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर ली है, यहाँ से जो है मेरी जो टॉक टाइम होल्ड ACW सम हो जाएगा। सम होने के बाद डिवाइड करेंगे आप किससे, कॉल से। तो मैंने क्या करा, टोटल जो टाइम था उसको डिवाइड कर दिया कि उसने जो है कितनी बार कॉल ली है, तो 95 टाइम्स उसने जो कॉल ली है, ब्रैकेट क्लोज अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी सम का फॉर्मूला लगा रखा था। डायरेक्टली आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए वाले एम्प्लॉय ने जो एक कॉल लेने में उसका एवरेज टाइम जाता है वो 3 मिनट 50 सेकंड जाता है, 3 मिनट 50 सेकंड। इसी को मैं नीचे कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की यहाँ AST रिफ्लेक्ट करेगी। कहीं कहीं बीपीओ में जो AST सेकंड्स में मेजर करते हैं, तो आप इसको सेकंड्स में कैसे दिखा सकते हैं, बहुत ही मेजर पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल वन यहाँ पर आप टाइप करेंगे, कंट्रोल वन टाइप करने के बाद आपने कस्टम वाली कैटेगरी में आना है, ये सारी कैटेगरी आपने स्किप करनी है, डायरेक्टली कस्टम वाली कैटेगरी में जब आएंगे यहाँ पर आपने मेंशन करना है ब्रैकेट डबल सेकंड डबल एस टाइप करना है, और यहाँ पर दोबारा ब्रैकेट आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, तो ये ब्रैकेट आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट ये रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में डबल एस टाइप करा, ओके आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो AST है सेकंड्स में रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे आप AST कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो ये AST कैलकुलेट करिए अपने सिस्टम पर और बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।